डियर स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर नंबर 4 में ये पढ़ा था कि अगर बिटवीन दी पार्टनर कोई एग्रीमेंट ना हो तो ऐसे में वहाँ पे कौन से रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट हमने वहाँ पढ़ लिया था और इसे उसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेक्चर 5 में भी किया था। आज थोड़ा और डिटेल में इस चीज़ को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू ले रहे हैं हम। तो एक ये क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। ये देखें, ये क्वेश्चन है, आशु एंड भानु आर स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस। क्वेश्चन को इजीली समझ में आए इसके लिए ज़रूरी है कि क्वेश्चन हमारे सामने हो। तो इसके लिए या तो वीडियो को यहाँ पॉज करके ये स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये नोट डाउन कर ले कॉपी में और वीडियो चलने दे फिर। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन ओपन करके रखें, क्वेश्चन भी पढ़ते जाए और मेरा ये वीडियो भी देखते जाए, आपको जल्दी समझ में आएगा। और एक और रिक्वेस्ट, लेक्चर नंबर 4 के बाद ये और ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि उसी पे बेस्ड है ये। सो क्वेश्चन मैं वापस से पढ़ता हूँ। आशु एंड भानु आर स्टार्टेड पार्टनरशिप बिजनेस विथ कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 लेख एंड 5 लेख ऑन 1 अप्रैल 2017। आशु और भानु दो पार्टनर से उनकी कैपिटल दी हुई, उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। वर्ड्स देखिएगा, कंट्रीब्यूशन यानी ये जो कैपिटल है ये कोई लास्ट ईयर से बैलेंस कैरी होकर आ रहा है ऐसा नहीं है, ये इस साल इन्होंने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। लैंग्वेज का ये मतलब है, कंट्रीब्यूशन वर्ड का मतलब ये है। तो अगर ये बैलेंस है क्या करेंगे इसका, वो समझाऊंगा। तो इसमें एक तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है हमको और दूसरा कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये जो कैपिटल है ये पार्टनर से इन्वेस्ट किए वो गिवर हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ये इन्होंने इस साल कंट्रीब्यूशन किया है इसलिए बैंक के नाम से आएगा। अगर ये बैलेंस लास्ट ईयर से कैरी होकर आ रहा होता तो बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखते। बात फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात, आशु एंड भानु ने बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट किए मतलब वो गिवर हो गए, क्रेडिट करेंगे। अगर ये बैलेंस लास्ट ईयर से कैरी होके आता तो यहाँ पे हम बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, लेकिन लैंग्वेज क्या है कि कंट्रीब्यूटेड बाय देम ₹3 लेख एंड 4 लेख, मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूट की, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए, इस साल उन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए, तो ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैंक के नाम से लिखेंगे। इसी साल इन्वेस्ट हुआ है क्योंकि 3 लेख एंड 4 लेख रुपीज़, तो ये कैपिटल हमने लिख दिए। आगे अगला सेंटेंस है, बट दे हैव नो एग्रीमेंट, पर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, मतलब एग्रीमेंट के अब्सेंट में जो रूल्स अप्लीकेबल होते हैं वो रूल्स सभी यहाँ पर अप्लाई होने वाले हैं। क्या रूल थे वो हम एक देखते रहेंगे जैसे जैसे पॉइंट आएगा। आशु गिवन एन एडवांस ऑफ 25,000 ऑन 30 जून 2017 टू दी फर्म। आशु ने फर्म को एडवांस दिया है, एडवांस या लोन एक ही बात होती है। और एक रूल होता है कि लॉ है कि अगर पार्टनर्स में एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन या इंटरेस्ट ऑन एडवांस जो भी बोल दें वो उसको मिलेगा और 6% पर एनएम पीरियड से मिलेगा। अगर एग्रीमेंट होता तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग रूल अप्लाई होता, जो एग्रीमेंट में रेट आप इंटरेस्ट होती वो अप्लाई होती, पर कोई उन्होंने आपस में मिलकर कोई रेट तय नहीं करी थी, कोई रेट आप इंटरेस्ट डिसाइड नहीं की थी, तो लॉ के हिसाब से 6% की रेट अप्लाई होगी। सो आशु को उसके 25,000 एडवांस पर इंटरेस्ट 6% पर एनएम की रेट से मिलेगा। उसने लोन फॉर्म को दिया है 30 जून को, तो 30 जून 2017 से 31 मार्च 2018 ईयर एंडिंग डेट है, तो 30 जून 2017 से 31 मार्च 2018 टाइम होता है 9 मंथ, तो उसे 9 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, तो ये हम इसकी एंट्री अभी करेंगे थोड़ी देर पहले, बाद में पहले प्रॉफिट आ जाए फिर देखते हैं इसको। ड्यू टू इलनेस आशु कुड नॉट वर्क फॉर एनी बिजनेस एक्टिविटीज इन दी फर्म फ्रॉम जुलाई टू जनवरी। आशु की तबीयत ठीक नहीं थी, हेल्थ प्रॉब्लम थी, इसलिए वो कुछ टाइम बिजनेस में काम नहीं कर पाया। तो लॉ ये कहता है कि चाहे किसी ने काम ज़्यादा किया हो, चाहे काम किसी ने कम किया हो, चाहे किसी की वर्किंग स्किल बहुत ज़्यादा हो या कोई अनस्किल्ड हो, किसी ने कैपिटल ज़्यादा लगाई हो या कैपिटल किसी ने कम लगाई हो, ये सब चीज़ें नहीं देखी जाएगी, प्रॉफिट सभी में इक्वल डिवाइड होगा अगर एग्रीमेंट नहीं है तो। तो यहाँ पर अगर आशु की हेल्थ प्रॉब्लम भी रही है, वो अगर कुछ टाइम बिजनेस में काम नहीं भी कर पाया है तो भी प्रॉफिट समय इक्वल मिलेगा, आशु को इक्वली प्रॉफिट मिलेगा, ये लॉ है। तो जब प्रॉफिट डिवाइड करेंगे तब ये पॉइंट भी काम आएगा। आगे,
तो अगला सेंटेंस है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018 अमाउंटेड टू 2,50,000. दो बातें इस सेंटेंस के अंदर दी हुई है कि ईयर एंड होगा 31 मार्च 2018 को और दूसरा नेट प्रॉफिट कितना हुआ है वो दिया हुआ है. तो पहले ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2018 को. अप्रोप्रिएशन अकाउंट के हेडिंग में ये डेट लिखी जाती है, याद रखना हमेशा, ये कंपलसरी लिखी जाती है. तो हम लिख रहे हैं अप्रोप्रिएशन के हेडिंग में लिख रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च 2018. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो ये कहाँ लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो समझा रहा हूँ. तो जैसे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में से प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाता है, वैसे ही पार्टनरशिप के केस में पीएनएल अकाउंट के डेबिट में से नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाता है. तो यहाँ पे हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है. तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में नेट प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट में से आया है. अमाउंट दिया हुआ था 2,50,000, सो ये लिख दिया. अब एक मिनट, ये मिस्टेक हो गई, ये प्रॉफिट अंदर लिखना है. क्यों अंदर लिखना है वो समझा रहा हूँ. हमेशा अंदर नहीं लिखते पर यहाँ लिखना है. ये इस प्रॉफिट को रिक्टिफाई करना है. इस प्रॉफिट में क्या चीज़ रिक्टिफाई करना है वो समझा रहा हूँ. इसमें रिक्टिफाई ये करना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो पार्टनर को देना था, जो हमने पिछली लाइनों में पढ़ा था, वो एक चार्ज है, वो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आना था. अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात बोली है, लोन दिया है मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात बोली है, तो वो अभी अकाउंट फार नहीं हुआ है. अगर लोन दिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हो चुकी है तो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन रहेगा. अगर लोन की बात इंटरेस्ट ऑन लोन की बात बोली है और साथ में ये नहीं बताया कि इसकी एंट्री हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, मतलब हमें करनी है, या यूं कहें कि क्वेश्चन में जो जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो सबकी एंट्रियाँ हमें करनी ही है अगर उस क्वेश्चन के अकाउंट्स में रिक्वायर्ड है तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री करना बाकी है. अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो पीएनएल अकाउंट में आता है, तो बिना इंटरेस्ट ऑन लोन लिखे ये नेट प्रॉफिट आ कैसे गया, इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, पहले इसको करेक्ट करना है. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन को कंसीडर करेंगे तो ये नेट प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा. तो इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें से हम माइनस कर रहे हैं. याद करें लोन का अमाउंट जो था वो 25,000 रुपीज था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट याद करें इन एब्सेंट ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट की जो रेट रहती है वो 6% रहती है. फिर उस पार्टनर ने 30 जून को लोन दिया है, 30 जून से 31 मार्च तक 9 मंथ का टाइम होता है. तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन 1125. ये माइनस करेंगे प्रॉफिट में से और बाकी का प्रॉफिट आउटर कॉलम में लिख देंगे. अब ये पॉइंट में एक बार फिर से समझा रहा हूँ. क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट यूं तो डायरेक्ट बाहर अमाउंट वाले कॉलम में आना था, पर हमने इसको अंदर लिखकर ये एडजस्टमेंट क्या किया है ये वापस समझा रहा हूँ. एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट लोन दिया जाना है. अगर इंटरेस्ट लोन दिया जाना है वो एक चार्ज है, यानी कि पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आना था. तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट लोन लिखे बिना ये नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, कहने का मतलब ये इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करना पड़ेगा. तो इंटरेस्ट लोन आप पीएनएल अकाउंट में नहीं लिखा था, माइनस नहीं हुआ था प्रॉफिट में, सो अब हमने माइनस करके प्रॉफिट को करेक्ट कर लिया, यानी करेक्ट नेट प्रॉफिट ये आ गया हमारा. ठीक, तो आगे बढ़ते हैं जहां तक क्वेश्चन पढ़ लिया था. डिस्प्यूट हैज अराइजिंग बिटवीन बोथ द पार्टनर एज अंडर. अब पार्टनर्स में कुछ डिस्प्यूट आ गए हैं, इनको सुलझाना है और लॉ के हिसाब से क्या एंट्रियाँ होनी चाहिए वो करनी है. तो देखिए, आशु क्लेम्स इंटरेस्ट कैपिटल एंड हिज एडवांस एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. आशु जो है बोल रहा है वो मुझे इंटरेस्ट एंड कैपिटल चाहिए और मुझे एडवांस में भी 10% इंटरेस्ट चाहिए. तो भाई लॉ ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं हो तो इंटरेस्ट एंड कैपिटल नहीं मिलेगा, सो उसे इंटरेस्ट कैपिटल तो मिलेगा ही नहीं. आशु अपने एडवांस पर, अपने लोन पर 10% इंटरेस्ट मांग रहा है, जबकि हमने 6% की एंट्री कर चुके हैं. क्यों? क्योंकि लॉ ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट ना हो तो पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा जरूर, पर 6% पर एनएम के रेट से मिलेगा, यानी 10% नहीं 6% मिलेगा, सो हम उसकी एंट्री कर चुके हैं. Also, he wants to distribute profit in capital ratio. आशु ये भी चाहता है कि कैपिटल के रेशो में अब जो प्रॉफिट आए वो डिवाइड हो. नहीं, लॉ ये कहता है कि अगर एग्रीमेंट ना हो तो शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, तो लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा वो सभी में इक्वल मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग आशु को मिलेगा. सो इंटरेस्ट लोन तो हम यहाँ पे लिख ही चुके अप्रोप्रिएशन में,
पर ये आशु को देना है, इंटरेस्ट लोन जो होता है आशु को देना है। तो इसके सेकंड एंट्री में दो अल्टरनेट होते हैं, सेकंड एंट्री में दो अल्टरनेट ये होते हैं कि हम चाहें तो इंटरेस्ट लोन को लोन अकाउंट में जाके क्रेडिट करें, यानी कि यहाँ पे एंट्री छोड़ दें क्योंकि लोन अकाउंट तो बनाना नहीं है। दूसरा, इंटरेस्ट लोन को पार्टनर्स अकाउंट में भी क्रेडिट कर सकते, वो भी करेक्ट है। तो हम यही सेकंड अल्टरनेट ले रहे हैं, यानी इंटरेस्ट लोन को हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, जिस पार्टनर को देना है उस पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं। आशु ने लोन दिया था सो आशु के कॉलम में हम इंटरेस्ट क्रेडिट कर देते हैं, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा हुआ है और आने वाले लेक्चर 8 में भी मैंने एक चीज़ क्लियर करी है कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। बात रिपीट कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ी सी हिंट दी थी और डिटेल में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो लेक्चर 8 में भी मैंने समझा रखा है, आने वाले लेक्चर्स में भी। तो जो जो चीज़ें पार्टनर्स को देनी होती है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है, उनके अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। इंटरेस्ट लोन पार्टनर को देना है इसलिए हमने क्रेडिट किया है। जो जो चीज़ें पार्टनर से लेनी होती है वो डेबिट की जाती है, जो लेनी है वो डेबिट और जो देनी है वो क्रेडिट कर देंगे। एक दूसरा, अगर पार्टनर कुछ दे देता है, देनी और लेनी नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई अमाउंट पार्टनर बिजनेस को देता है, वहाँ गिवर है, वो चीज़ क्रेडिट होगी। जैसे पार्टनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की, मतलब कंट्रीब्यूट की, मतलब बिजनेस को पैसा दिया है तो गिवर है, वो क्रेडिट कर दी। ऐसे ही पार्टनर बिजनेस से जब ड्राइंग करते हैं यानी पैसा लेते हैं, रिसीवर होते हैं, वो डेबिट करते हैं। ठीक, बात को जब भी कोई पॉइंट समझ में ना आए तो हमेशा वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाकर उसको बार बार सुने ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मैं चीज़ें ज़्यादा रिपीट इसलिए नहीं करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सेकंड। बट अनदर साइड भानु क्लेम्स हिज शेयर इन प्रॉफिट इन इक्वल प्रोपोर्शन। ऊपर आशु तो चाहता है कि कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट मिले, लेकिन भानु जो है वो चाहता है कि प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो। ये इनके बीच में डिस्प्यूट है, तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि भाई जब एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा, यानी यहाँ पे भानु की बात मानी जाएगी और प्रॉफिट इक्वल डिवाइड होगा। एंड ही क्लेम्स ऑल्सो फॉर रेम्यूनरेशन ऑफ 7,000 पर मंथ फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन एब्सेंस ऑफ आशु। भानु एक और चीज़ चाहता है कि जितने टाइम तक आशु बिजनेस में नहीं आ पाया था हेल्थ प्रॉब्लम से, तब तक भानु अकेला काम कर रहा था तो उसके ऊपर काफ़ी सारा बर्डन आ गया था, इसलिए भानु कुछ उसकी मेहनत के लिए अलग से रेम्यूनरेशन चाहता है 7,000 पर मंथ। लेकिन लॉ ये बोलता है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा, सो भानु को ये रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, इसकी एंट्री हमें नहीं करनी है। आगे, He wants to allow interest capital and loan to the partners at 6% per annum. भानु ये भी चाहता है कि interest capital और interest loan दोनों मिले 6% के रेट से, तो agreement के option में interest loan नहीं मिलता है तो किसी भी partner को interest capital नहीं मिलेगा। चाहता है कि लोन पर 6% के रेट से इंटरेस्ट दिया जाए, सो 6% के रेट से हम ऑलरेडी पहले ही दे चुके हैं क्योंकि वो लॉ है, वो दे दिया है। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू, अगला सेंटेंस है, यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स एंड ऑल्सो प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूछा है वो हम बना ही रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट पहले लिख चुके थे, अब और कोई सैलरी कमीशन बोनस इसमें देना ही नहीं है, जो भी प्रॉफिट है वो नेट डिविजुअल प्रॉफिट हो गया, नेट डिविजुअल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होगा टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वैसे मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के कंसेप्ट लेक्चर 1 में समझा चुका हूँ, पर यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता दूँ शॉर्ट में कि जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जैसे पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आता है, वैसे ही ये पी एंड एल अकाउंट के बाद में बनने वाला अकाउंट है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला अकाउंट। इसमें जो लास्ट में प्रॉफिट आता है उसे नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया, पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट आया, वैसे ही अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है, तो ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आ रहा है, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है 2,48,875, यही हमारा नेट प्रॉफिट हुआ, क्योंकि और कुछ तो इस क्वेश्चन में है नहीं, डिफरेंस यही है। इसको दोनों पार्टनर यानी कि आशु एंड भानु में डिवाइड कर लेंगे, और शेयरिंग रेशियो ना हो तो दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, यानी दोनों का हाफ हाफ मिलेगा। ठीक है, दोनों को 2,48,875 का हाफ हाफ दोनों को मिलेगा।
ये हमारा प्रॉफिट आ चुका है, ये हम पार्टनर्स के अकाउंट में ले जा रहे हैं, ये प्रॉफिट पार्टनर्स को देना है। देना है मतलब ये उनके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये हम कैपिटल अकाउंट में गए, पार्टनर्स को प्रॉफिट देना है, ये क्रेडिट कर देंगे। प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में से कैपिटल अकाउंट में आ रहा है, तो लिखा जाएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अमाउंट कितना था 1,24,438 एंड 1,24,437 डेसिमल में आ रहा है, इसलिए 1.5 कम कर दिया और 1.5 बढ़ा दिया है, ठीक। अब बैलेंस कैरी डाउन कर लेते हैं, तो लास्ट में हम बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बैलेंस कैरी डाउन, तो पहले वाले का पार्टनर का बैलेंस है 4,25,563, तो दूसरे वाले पार्टनर का बैलेंस है 524,437, ठीक। तो इसके साथ वैसे तो ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, पर पार्टनर स्टूडेंट्स में एक बात लिए रिक्वेस्ट करूं कि इस लेक्चर के पहले अगर आप लेक्चर 4 देख लेंगे तो ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक दूसरी बात, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसको मैंने बहुत डिटेल में लेक्चर नंबर 8 में समझा रखा है, वो भी ज़रूर पढ़िएगा। और इस लेक्चर को उन दोनों इस 4th और 8th के बाद इस लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा तो आपके कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट बात कि जो क्वेश्चन है वो सामने होता है तो उसके बाद वीडियो देखने से जल्दी समझ में आता है। तो मैं शुरुआत में जो क्वेश्चन दिखा देता हूँ, स्क्रीन को पॉज करके या तो उसको नोट डाउन कर लें या डिस्क्रिप्शन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन ओपन करके रखें, मेरे साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते भी जाएँ और सुनते भी जाएँ, देखते भी जाएँ, समझ में जल्दी आएगा। और साथ में अगर कॉपी में लिखते भी जा रहे हैं तो और ज़्यादा समझ में आएगा। रेगुलर देखते रहें सो देट कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हम एग्जाम में भी ज़्यादा नंबर ला सकें और प्रैक्टिकल नॉलेज अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।